पेटीएम को पिछले हफ्ते लिस्टिंग के बाद से अपने अब तक के सबसे खराब दिन का अनुभव करना पड़ा। कंपनी के शेयरों का भाव एक दिन में 20% तक गिर गया था। ये गिरावट पेटीएम के बिजनेस रणनीति में एक बदलाव की खबर के बाद आई, जिसमें कंपनी ने कहा कि वह छोटे साइज के पोस्टपेड लोन में अपनी उपस्थिति को कम करेगी। इस ऐलान के बीच कई एनालिस्ट ने पेटीएम के शेयरों की रेटिंग घटाई है या उसके टारगेट प्राइस में भी कटौती की है। इस बीच पेटीएम ने पिछले बुधवार को एनालिस्ट के साथ एक बैठक में कहा कि वो अब ज्यादा टिकट साइज वाले लोन की बढ़ती मांग को पूरा करने की रणनीति बना रही है। इन लोन का साइज 3-7 लाख रुपए के बीच रहने वाला है। इस बीच कंपनी ने कम रिस्क वाले पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन की बढ़ती मांग पर भी ध्यान डाला। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने पेटीएम की ओर से उठाए गए हालिया रणनीतिक कदमों की प्रशंसा की। हालांकि साथ में ब्रोकरेज ने पेटीएम के स्टॉक के लिए अपने टारगेट प्राइस में कटौती की है। सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि पेटीएम के उठाए कदम से सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC सेक्टर को भी लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा, पेटीएम के शेयरों में जो बड़ी गिरावट देखी गई उस प्रतिक्रिया में कुछ अतिशयोक्ति थी। बाजार में अक्सर ये होता है, वो किसी अच्छी या बुरी खबर पर कई बार काफी तेज से प्रतिक्रिया करता है। खेमका ने पेटीएम के स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस घटाकर 1025 रुपए कर दिया है। ये अगले साल के नजरिए से इस स्टॉक में पर्याप्त तेजी का संकेत देता है। इस बीच पेटीएम के शेयर सोमवार 11 दिसंबर को NSE पर 0.73% बढ़कर 656 रुपए के भाव पर बंद हुए। पिछले 5 दिनों में कंपनी के शेयरों का भाव 23.99% टूटा है। हालांकि इस साल की शुरुआत से पेटीएम के शेयर ने अब तक 23.29% का रिटर्न दिया है। पेटीएम का शेयर अपने 2150 रुपए के IPO प्राइस से अभी भी काफी दूर है।